एक बहुत बड़े टाउन के बाहर काफी पुराना एक सरकारी स्कूल था, जिसमें बहुत ही कम बच्चे पढ़ने आते थे। बच्चों स्कूल था ही इतना दूर शहर से कि मेन रोड भी काफी दूर पड़ता था स्कूल से, तो सिर्फ स्कूल बस के अलावा कोई और व्हीकल्स भी वहां से गुजरते नहीं थे। इस स्कूल से थोड़ी ही दूरी पर एक छोले भटूरे वाले की लारी थी। स्कूल के बच्चों से लेकर टीचर्स भी उसके छोले भटूरे खाने आया करते थे, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं कि वो कौन है, इतनी दूर कहां से आता है और कहां रहता है। अब छोले भटूरे थे ही इतने स्वादिष्ट कि बच्चे अपना टिफिन भरा छोड़ देते थे और स्कूल छूटने का इंतजार किया करते थे, और बस ड्राइवर भी वहां बस को रोकता था। टीचर्स तो बच्चों से कहते थे कि अपने अपने घर का खाना खाओ, लेकिन बच्चे वहां जाए बगैर रह ही नहीं पाते थे। इतना ही नहीं, काफी दूर दूर से भी कुछ लोग उसके छोले भटूरे खाने आते थे। शाम को स्कूल छूटते ही बच्चे दौड़कर बस में चढ़ रहे हैं। बस चल पड़ती है, थोड़ी दूर जाते ही छोले भटूरे वाला आता है। सड़क सुनसान है, ड्राइवर बस रोकता है। कुछ बच्चे लॉरी के पास खड़े हो जाते हैं। राजू, मोंटी और स्वीटी भी लॉरी के एक ओर खड़े हैं, अपने छोले भटूरे आने का इंतजार करते हैं। यार गाइस, सिपाही फौजी चाचा के छोले भटूरे का मजा ही कुछ और है। तेरा रोज का यही डायलॉग होता है मोंटी, क्या कुछ और नहीं बोल सकता? क्या करें स्वीटी, उसे छोले भटूरे कितने पसंद है ये तो उसकी भटूरे जैसी तून देखकर ही पता चल जाता है। तुम दोनों अभी ज्यादा ही हंस रहे हो, देखिए ना चाचा, ये मेरे मोटे होने का मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चो, ऐसे किसी की तून देखकर हंसो मत, एक तेरे, दो तेरे, तीन तेरे, गायब कर दूंगा तेरे सारे छोले भटूरे। ऐसा करके स्वीटी और राजू की थाली से आधे छोले भटूरे मोंटी की प्लेट में आ गए। ही ही ही, अरे वाह, आपको जादू भी आता है? सिर्फ जादू ही नहीं, यहाँ सोना, स्कूल में सोना, घर में सोना, मुझे आता है जादू टोना। हा 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 हा। राजू और स्वीटी डर जाते हैं और भागकर बस में चले जाते हैं। अरे बच्चों, भाग कहाँ रहे हो? ड्राइवर हंस रहा होता है। क्या हुआ बच्चों, तुम्हारे छोले भटूरे गायब हो गए क्या? वो दोनों डरे हुए हैं। मोंटी अपना खाना खत्म करके वापस आता है। सब बच्चे चढ़ जाते हैं बस में। जल्दी करो अंकल, हमें घर भी जाना है। ए, मुझे सुसू भी आई है। मजा आ गया, आज करेगा राजू बहुत सारा सुसू। बस रास्ते में चलती रहती है और सब घर पहुंच गए। किसी को पता नहीं चलता कि रात को वो कहां चला जाता है और स्कूल शुरू होने से पहले कहां से पहुंच जाता है। कई बार लोगों ने भूतिया सिपाही को पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आते हैं, तो वो अपने सिपाही होने की बात करते हैं। कहते हैं कि मैं तो एक रिटायर्ड सोल्जर हूं, और वो अपने जमाने की लड़ाइयों की कहानियां सुनाया करता था। कोई नहीं जानता था कि ये छोले भटूरे वाला इतनी दूर लारी लेकर कहां से आता है। कोई जानता तक नहीं था कि वो जिंदा ही है या नहीं। स्वीटी की फोन की रिंग बजती है, वो डरी हुई कॉल उठाती है। राजू है, राजू अपने रूम से कॉल करता है मोबाइल से। हेलो हेलो स्वीटी, तुम सुन रही है ना? हाँ बोल राजू। यार तुम्हें नहीं लगता हमें छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए अब? तभी अचानक से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है स्वीटी के घर में। स्वीटी जल्दी नीचे आओ, ये क्या है? तुम्हारी टिफिन में तो मैंने मोमोज रखे हुए थे, ये छोले भटूरे कहाँ से आए? राजू ये सुनता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। क्या कहा आंटी ने, छोले भटूरे? छोले भटूरे हैं? हे भगवान, वो कहाँ से आए राजू? राजू अपने रूम में टेबल पर पड़े बैग की ओर देखता है, उसके पसीने छूटने लगे हैं। मुझे नहीं पता, मैं अपने बैग में देखता हूँ स्वीटी। वो फोन चालू रखकर ही बैग की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें टिफिन बॉक्स निकलता है और खोलता है। जय हनुमान, उसमें छोले भटूरे हैं। राजू के होश उड़ जाते हैं। छोले भटूरे मेरे भी बैग में हैं। राजू, तुझे कैसे पता चला कि आज छोले भटूरे बनाए हैं? राजू चक्कर खाकर गिर जाता है। उधर मोंटी बैग से टिफिन निकालता है तो उसमें राजू और स्वीटी का खाना निकलता है। वाह, मोमोज और पकौड़े, आज तो मजा आ गया। स्वीटी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वो जादू कैसे किया? सिपाही की आवाज सुनाई देती है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं एक अच्छा सिपाही हूँ, मैं तो बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसी वक्त राजू के रूम में,
कौन है मम्मी? वो दौड़ता है दरवाजे की ओर, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। पीछे से खिड़की खुलने की आवाज आती है, कोई कमरे में आता है। राजू पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने सिपाही खड़े हैं। राजू सुन्न पड़ जाता है। क्या आप यहाँ? डरो मत बेटा, मैं तुमसे खेलने आया हूँ। राजू बेहोश होकर गिर जाता है। स्वीटी थोड़ी बहादुर और होशियार थी। सर आपको क्या हुआ है, कहीं आप वो खिड़की से अंदर आते हैं? हाँ बेटा, मैं आत्मा हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। स्वीटी डरने लगती है। आप मुझे डरा रहे हैं, जाइए यहाँ से। राजू के रूम में सवेरा हो चुका है, उसकी माँ उठाने आती है। बेटा राजू उठो। तब वो बेड पर सोया हुआ है, वो उठता है, अपनी आंखें खोलता है और रोने लगता है। मैं बेड पर कैसे आया मम्मी? और उनके गले लग जाता है। सब बच्चे खेल रहे हैं और ये तीनों बैठे हैं, ब्रेक में वो खाना खाने वाले हैं। तो ये हुआ कल, वो आए और मुझे अपनी कहानी बताना चाहते थे, मैं रोने लगी और उन्हें जाना पड़ा। मैं तो उन्हें देखकर ही डर गया था, मैं बेहोश हो गया था और सुबह खुली तो बेड पर था, लेकिन हमने तो बहुत मस्ती की, उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। फिर वो अपने अपने टिफिन खोलते हैं, सबके टिफिन में छोले भटूरे हैं। राजू और स्वीटी के होश उड़ जाते हैं। बच्चों, मुझे पता है आप आएंगे नहीं, लेकिन आपके लिए ये गर्मा गर्म छोले भटूरे। राजू थूक कटक लेता है। दिखते तो बड़े स्वादिष्ट हैं। भूख भी लगी है, खाना ही पड़ेगा। उनके टीचर में भी वो सिपाही दिखता है, पानी पीने जाते हैं, वहां भी सफाई वाला सिपाही दिखता है। फिर स्कूल छूटते ही ड्राइवर आ जाता है, लेकिन उसमें भी उन्हें वही दिखता है। चलो बच्चों, बस में बैठ जाओ, जितने छोले नहीं खाए हैं उससे ज्यादा मुझे तो भूतिया सिपाही दिख रहे हैं, अब मजा आएगा बस में। ही लगता तो नहीं। फिर बस चलने लगती है, उनकी लारी आती है और ड्राइवर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो बस रुकता नहीं, हंसने लगता है जोर जोर से। बच्चों को घर में कभी कभी वह सिपाही दिखने लगता है, स्कूल में भी और बस में भी। जब वो घर के आसपास खेलते हैं तो वो दिखते हैं, स्कूल खत्म होने के बाद लारी पर भी होते हैं। बच्चे अब छोले भटूरे देखने से भी डरने लगे हैं, उनका नाम सुनते ही डरने लगे हैं। देखते हैं क्या थी उस भूतिया सिपाही के छोले भटूरे की कहानी और वो कौन थे, दूसरे पार्ट में। घनी पहाड़ियों से घिरे पहलगाम गांव के बीच बसे बॉर्डर पर कुछ दिनों से बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं, जिसे समझना जतिन की सोच से परे था। जतिन हाल ही में फौज में भर्ती हुआ था और तभी उसे सरहद पर एक भूत दिखाई दे रहा था। यह मेरे साथ क्या हो रहा है, वो भूत मुझे ही क्यों दिखाई देता है, आखिर क्यों? कभी मैं उसके पीछे जाने की कोशिश करता हूं तो कभी उसे भगाने की कोशिश करता हूं। जतिन के मन में सवालों का सैलाब उफन रहा था। देखते ही देखते रात का अंधेरा घिराता है, सभी सिपाही अपने शिविर में सो जाते हैं, मगर जतिन अभी भी जाग रहा होता है। तभी एक गूंज इटलाते हुए उसके कानों में पड़ती है। यह इतनी रात को गोलाबारी कहां हो रही है, लगता है भारत की सरजमी पर खतरा मंडरा रहा है, मुझे सभी सिपाहियों को आगाह करना होगा। जैसे ही जतिन अपने शिविर से बाहर आता है, उसे वही भूत अपने सामने खड़ा दिखता है। उसकी लाल स्याह आंखों से खून टपक रहा होता है, शरीर पर कई सारे गहरे घाव थे, जिसके साथ वह भूत बड़ी गर्दिश के साथ अंधेरे की ओर भागता है। ठहरो, कौन हो तुम? कहता हूं रुक जाओ। चले आओ मेरे पीछे, चले आओ। जतिन बिना खौफ खाए उसका पीछा करने लगता है। तभी भूत उसे छलकर अपने पीछे अंधेरे में लाकर भूता हंसी हंसते हुए बोलता है। तो आखिर आज फिर एक और सिपाही मेरी बलि का बकरा बनने चला ही आया, अब तू मरेगा। वह भूत जतिन के गर्दन में अपनी दांत कड़ाने ही वाला था कि अचानक एक बड़ा बवंडर उठता है, जो भारत के सिपाही जैसे लिबास में लिपटा होता है। मेरे होते हुए तू भारत के जवान को छू भी नहीं सकता। दोनों भूतों के बीच भयंकर जंग छिड़ जाती है, जिसे देखकर फौजी जतिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
तभी दोनों भूत जैसे अंधेरे में घुल मिल जाते हैं। जैसे तैसे रात का पसरा अंधेरा सुबह के सवेरे में उजागर होता है। तभी मदन नाम का एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, जिसे देखकर जतिन कहता है, मदन क्या तुमने कभी किसी भूत को यहाँ भटकते हुए देखा है? जतिन के सवाल से मदन अपने हाथ रोक कर कहता है, माफ करना साहब जी, मगर कुछ सालों पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, तो मगर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बेहतर होगा आप केवट काका से मुलाकात करें। ये कौन है? केवट काका इस फौज के बरसों पुराने सूबेदार थे। यह पहलगाम के पहाड़ियों के पीछे उनका पुराना घर है। जतिन मदन के दिए हुए पते पर पहुंचता है। काका मैं भीतर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे सरहद पर दो भूत दिखते हैं, एक फौजी मुझे फाड़ खाना चाहता है तो एक मुझे बचाता है, मगर ऐसा क्यों? केवट बड़ी बड़ी आंखें करके फौजी को ताकते हुए फुसफुसाता है, साहब जी का कहा पूरा हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम देशभक्त सिपाही देवेश का पुनर्जन्म हो। ये कैसी अनहोनी बात कर रहे हैं आप? अगले ही पल केवट जतिन को एक तस्वीर देता है जिसकी शक्ल एकदम जतिन जैसी थी। उसके हाथों में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जब ये चिट्ठी तुम पढ़ोगे तब तक तुम अवतार ले चुके होगे, बस तुम्हें अपने अंदर के देवेश को जगाना होगा ताकि तुम सुरमई को दफन कर सको। काका कौन है ये सुरमई? ये जानने के लिए तुम्हें पीछे चलना होगा। सुरमई वो शैतान है जिसके डर से पहलगाम के लोग थर थर कांपते थे। पहलगाम के लोगों, कहां छिपे बैठे हो? मैं कहता हूं बाहर आ जाओ। अचानक सुरमई की आंखें कांची की दरवाजे पर जाती है और वो उसे घसीटते हुए वहां से जंगल की ओर ले जाता है। अरे मुझे बचाओ, मुझे कोई शैतान से बचाओ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कांची जो तुझे बचाने के लिए खुद बलि चढ़ जाए। आज पूरा पहलगाम मौत का नंगा नाच देखेगा। इसी के साथ सुरमई उसकी बाह उखाड़ फेंकता है। पूरी जमीन कांची के खून से रंग जाती है। पहलगाम के निवासियों का हर दिन दहशत में बीत रहा था, जिसे देखते हुए सरकार ने देशभक्त सिपाही देवेश की पोस्टिंग पहलगाम में की। आइए साहब, आप केवट है ना, यहाँ के लोग इतने खौफ में क्यों हैं? साहब जी, जब से दुश्मन का दूत सुरमई के कदम यहाँ पड़े हैं, पूरा पहलगाम हर रात मौत के खौफ में जिंदगी जीता है। मगर ये कौन है सुरमई? सुरमई दुश्मनों का एक मुर्दा दूत है जो जम्मू को जब्त करना चाहता है। चाहे चट्टान भी इस देशभक्त के सामने क्यों ना खड़ा हो, ये देशभक्त आखिर दम तक अपना फर्ज निभाएगा। उस रात जब सुरमई गांव में दस्तक देता है तो फौजी देवेश उस पर गोलियों की बरसात कर देता है, मगर गोली उस शैतान के सीने के पार निकल जाती है। तेरी दो कौड़ी की ये गोलियां मुझ मुर्दे को मात नहीं दे सकती। सिपाही अपनी खैर चाहता है तो जान बचाकर भाग जा, वरना अंजाम बुरा होगा। ये देशभक्त तेरे धमकियों से नहीं डरेगा। सुरमई चला जा यहाँ से। देवेश एक सच्चे सिपाही के जैसे उस शैतान से बगावत करता है। रुक जाइए साहब, इस शैतान से बगावत करने में बहादुरी नहीं है। बेकार की कोशिश मत कर सिपाही, मुझे एक मौत मारने के लिए तुझे दो जन्म लेना होगा। यह बोलकर वह शैतान उस देशभक्त के सीने में अपने पैने नाखून चुभो देता है, जिसके बाद देवेश जमीन पर गिरकर आंखें मूंद लेता है और सवेरे की पहली पहर छटते ही सुरमई अंधेरे में घुल मिल जाता है। साहब जी उठिए, आप मर नहीं सकते।